सो आप ये देख रहे हो ना, जितनी भी शॉपिंग है, जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं ना, उनको इस बारे में कल ही पता लग गया था, क्योंकि आपके भाई के अंदर ना बॉडी को रिक्वायरमेंट थी शॉपिंग करने की। तो अपन गए बाहर मार्केट और दबा के शॉपिंग कर ली। अभी भी काफी कुछ लेना बचा हुआ है, तो वो मैं आज पूरी कर लूंगा। सो थंबनेल देख के तो आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। सच में मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे दूसरी जिंदगी मिली है, तो कोशिश करूंगा कि इस जिंदगी में अच्छे से जीऊं, कोई भी पल कोई भी लम्हा ना छोड़ूं, और जितना भी हो सकता है मैं अच्छे काम करूं और लाइफ में आगे बढ़ूं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से 15-20 दिन पहले मैंने एक राइड की थी जयपुर वाली, और उस राइड को अच्छे से कंप्लीट किया। जो लास्ट सीरीज डली थी जिसमें सैंड ड्यून्स के ऊपर हमने कैंपिंग की, तो रात को कैंपिंग करने के बाद हम लोग जब वहाँ से वापस आ रहे थे ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हम लोग सिर्फ 3 जगह रुके, एक जगह हमने लंच किया था, और फिर उसके बाद वो लंच करने के बाद इतना हैवी हो गया था कि हमने डिनर नहीं किया। बस 2 जगह और रुके थे जहाँ पे हमने चाय पी थी। हाईवे किंग नाम से होटल था। घर आ गया मैं। घर आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो दिन तक बिल्कुल अच्छे से मैं वर्क कर रहा था, कोई टेंशन नहीं थी, सब कुछ बढ़िया काम चल रहा था। जब मैं सुबह उठा तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया, जैसे हमारा रोज का शेड्यूल रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। अब मैंने जब अदरक डाली तो मेरे को ना बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही, तो मैंने फिर अदरक को ज्यादा पास से सूंघा तो मेरे को स्मेल आ गई फिर उसकी। देन जब ब्रेकफास्ट वगैरह बन गया और मैं खाने के लिए बैठा, जैसे मैं अभी खा रहा हूँ, तो फ्रेंच टोस्ट बनाया था, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बना है। उस दिन मैंने सिंपल ब्रेड ऑमलेट बनाया था, और जब मैंने ऑमलेट को मुंह में डाला मेरे को टेस्ट नहीं आया। मैंने कहा ये क्या सीन है। फिर देन उसके बाद मैंने चाय पी तो चाय का भी टेस्ट नहीं आया, बट मेरे को थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही थी। तो जब लंच की बारी आई तो लंच मैंने किया, तो उस दिन दाल चावल बने थे, तो मैंने दाल चावल खाए, मुझे वो भी टेस्ट नहीं आया बिल्कुल भी। मैंने कहा ये क्या सीन है। मैंने सोचा कि हो गया होगा कफ कोल्ड, तो मैंने एक टैबलेट ले ली कफ कोल्ड वाली, ताकि अगर कुछ भी होगा तो वो ठीक हो जाएगा। जो अभी शायद हो सकता है ड्राई कफ कोल्ड हो, जो अभी बॉडी में सिम्टम्स ना हो। तो रात हो गई, रात को जब मैं डिनर करने बैठा तो उस दिन मैंने नॉनवेज ही बनाया था। अब नॉनवेज बनाते बनाते मेरे को स्मेल नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी, लेकिन एक माइंड में चल रहा होता है ना चेकअप करने का, तो मैंने सॉल्ट लिया, नमक लिया, नमक को चाटा तो मेरे को नमक का टेस्ट आया। मैंने कहा ठीक तो है। फिर उसके बाद मैंने दीपावली पे स्वीट्स वगैरह आती हैं, तो मैंने एक रसगुल्ला उठाया और वो भी खाया, तो मेरे को मीठा बिल्कुल टेस्ट आया। मैंने कहा टेस्ट तो ठीक है। फिर ना चाहते हुए चिकन बनाता रहा, मुझे स्मेल तो आ नहीं रही थी, बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद रात को खाया, मैं सुबह उठा, देन उसके बाद सेम प्रोसेस किया, बिल्कुल गायब। मतलब जो मेरे को 20% स्मेल आ रही थी, 20% टेस्ट आ रहा था, वो भी सब खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मैं नॉर्मली कुछ भी खा रहा हूँ, और उसके बाद कुछ भी फील ही नहीं हो रहा था कि क्या है, चाय है क्या है। मतलब उस दिन मम्मी ने घी की सब्जी बनाई थी, और जो मैं बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, और वो मैं उस दिन पूरी कटोरी भर के खा गया, क्योंकि मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा था। नॉनवेज थोड़ा सा बचा हुआ था रात का, वो भी मैंने खाया, तो दोनों मतलब घी की सब्जी और नॉनवेज दोनों सेम लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं क्या खा रहा हूँ। एंड व्हाट, जब इस तरीके की कोई भी अगर प्रॉब्लम हमारे साथ होती है बीमारी से रिलेटेड, तो सबसे पहले पता है माइंड में क्या जाता है, चलो गूगल करके देखते हैं और क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं उससे रिलेटेड, फिर हम लोग सर्च करते हैं। तो मैंने वही चीज़ किया सेम, फिर मैंने गूगल पे डाला लॉस टेस्ट एंड स्मेल, तो उसके बाद सीधे सीधे जितने भी मेरे पास कोड्स आ रहे थे, जितने भी उसके अंदर ब्लॉक्स डले हुए थे, टोटली डिपेंड था कोरोना वायरस, मतलब आपको COVID-19 हो गया है। अब हुआ मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब,
कि मैं अब क्या करूं। फिर मैंने दिमाग में सोचा कि मेरे साथ डीओपी भी था, लोकेश भाई भी थे और कुलदीप भाई भी थे, आशु भाई भी थे। तो मैंने सीधे फ़ोन मिलाया और सबसे पहले मैंने डीओपी को फ़ोन मिलाया और पूछा कि भाई तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या, तुम्हें कोई सिम्टम्स कोई प्रॉब्लम है क्या। तो डीओपी ने बोला हाँ मैं ओके हूँ, मैं तो इवन बाहर शूट पे आया हूँ और मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने फिर डीओपी के साथ डिस्कस किया कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो देन मेरे को डीओपी ने बोला तो एक काम करो, आप दोबारा से कुछ हैवी मीठा खा के देखो, कुछ नमकीन खा के देखो और उसके बाद आप कोई भी हैवी फ्रेगनेंस वाली चीज़ सूंघ कर देखो। तो मैंने दोबारा जब सॉल्ट को टेस्ट किया तो मेरे को उसका टेस्ट आया। सो, मेरे घर में सबसे हैवी एक डीओ पड़ा हुआ है, वो मैंने लगा के देखा। तो मैंने दूर से लगाया तो मेरे को उसकी फ्रेगनेंस नहीं आई थी, जब मैंने उसे अपने हैंड के ऊपर डाल के सूंघा देन उसकी फ्रेगनेंस आई। मतलब दूर से नहीं आ रही थी, अगर मैं उसे लिटरली करीब से सूंघ रहा था तब मेरे को उसकी फ्रेगनेंस आ रही थी। मतलब कि सिचुएशन इतनी बिगड़ती चली गई कि मैं जहाँ भी सर्च कर रहा हूँ, कुछ भी देख रहा हूँ तो सारे सिम्टम्स के बारे में वही लिखा हुआ था। हालत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे डिनर किया, मुझे डिनर करने का भी मन नहीं था, लेकिन फिर जब जैसे तैसे डिनर किया और मैं जब सोया ना तो ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे ना, मैं क्या बताऊँ आपको, हालत ख़राब हो गई थी वो सपने देखते देखते। ओके, तो वो मैं बाहर से घर आ गया हूँ और घर आके ना सबसे पहले मैंने मम्मी को जितनी भी मैंने शॉपिंग की है वो टोटल दिखा दी है और एक बार आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये बेड पे आप देख लो किस हिसाब से पूरी दुकान लगी पड़ी है यहाँ से लेके वहाँ तक। तो फिलहाल अभी करते हैं सीधे स्टार्ट क्या, डिनर बनाना, क्योंकि लेट हो गया है। आज मैं सोच रहा हूँ आलू मेथी की सब्जी बनाता हूँ और बाकी तो रोटियाँ मम्मी बना ही लेगी। सो अकॉर्डिंग टू दी जितनी भी मैंने चीज़ें सर्च की थी और जितनी भी मैंने ब्लॉग्स देखे, व्लॉग्स देखे और जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली, उसके अकॉर्डिंगली मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव था। फिर मैंने सोचा कि अब सो जाता हूँ, सुबह उठ के देखूँगा। तो रात निकालनी भारी पड़ गई थी मेरे को, मतलब ऐसे ऐसे ख्याल आने लग गए कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने कोविड से रिलेटेड ऐसी ऐसी जो बेसिक फिल्में बनी होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी कि वो मेरे मन में ना घूमने लगी और वो पूरी रात इतना परेशान हो गया मैं, वही चीज़ें मेरे माइंड में चलता रहा कि मेरे को अब ऐसा हो रहा है। मतलब कि मेरे को कुछ फील भी नहीं था, मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक थी, कोई परेशानी थी, पर फिर भी अंदर से लगने लग गया था कि अब ये प्रॉब्लम हो रही है, अब ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर हल्की सी नाक भी बंद हो रही थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, पसीने पसीने आ रहे थे सोच सोच के। तो फिर जैसे तैसे रात काटी, मैं सुबह उठा और सुबह उठते ही मैंने डायरेक्ट आरोग्य सेतु के कॉल सेंटर पर कॉल मिलाया। देन मैंने वहाँ कॉल किया तो उन्होंने मुझसे दो तीन सवाल पूछे थे कि आपकी तबीयत कैसी है और आपको अभी क्या फील हो रहा है। तो मैंने उनको साफ साफ बता दिया, ना मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, ना मुझे कफ है, ना मुझे कोल्ड है और मेरे को कोई भी परेशानी नहीं है, ना मेरे गले में दर्द है, कोई भी परेशानी नहीं है, बस मेरे को टेस्ट और स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अगर मैं पास से सूंघ रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा थोड़ा सूंघने को आ रहा है, लेकिन बाकी मेरे को दूर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है। और अगर मैं नमक वगैरह अपने जीभ पे लगा रहा हूँ तो उसका टेस्ट मुझे आ रहा है। तो उन्होंने मेरे को बोला, देखो सर, अब इसके लिए तो हम आपके पास कोई टीम नहीं भेज सकते हैं, ना ही आपका कोविड आपका टेस्ट हो पाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए एक प्रॉब्लम होना ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक बेसिक प्रॉब्लम हो सकती है और ज़रूरी नहीं कि आपको कोविड हो। ये एक जुखाम बुखार भी आजकल इस तरीके का चल रहा है जिसमें सबसे पहले टेस्ट और आपकी ये स्मेल वाली प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लिमिटेड हमारे पास किट होती है और उस किट के अकॉर्डिंग ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं और जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है हम लोग उन्हीं का ही टेस्ट कर रहे हैं जिनकी ज़्यादा तबीयत खराब है। फिर मैंने उनसे पूछा कि यार अब मैं ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि देखो सर, अगर आप प्राइवेटली भी करा के जाते हो और आपको निकल जाता है तब आप क्या करोगे, क्योंकि अभी इसकी कोई दवाई तो बनी नहीं है, आपको कोई वैसी हार्ड प्रॉब्लम भी नहीं हो रही कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, तब भी आपको आइसोलेट होना पड़ेगा 15 डेज के लिए। तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि आप एक काम कीजिए, कफ एंड कोल्ड की आप एंटीबायोटिक ले लीजिए 5 डेज की और आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए।
इसमें ये नहीं है कि आप दूसरे को इन्फेक्टेड करेंगे। अभी अगर आपके बॉडी कमजोर होगी, इम्यूनिटी पावर सिस्टम कमजोर है, तो अगर आप दोबारा बाहर जाते हैं तो अगर किसी और को हुआ तो उससे आपको दोबारा लगेगा। अभी आपका मतलब स्वाद और आपकी सूंघने की शक्ति कम हुई है, तो हो सकता है दोबारा अगर आपको वायरस लगता है आपको गले पे भी असर करेगा और आपके चेस्ट पे भी फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए आप 15 दिन के लिए आइसोलेट हो जाइए। मैंने फिर अपनी सिस्टर को कॉल किया, उनसे मैंने एंटीबायोटिक मंगवाए। देन जैसे तैसे वो मैंने एंटीबायोटिक स्टार्ट की, तो 3 दिन हुए थे मेरे को एंटीबायोटिक लेते हुए। तो 3rd दिन के बाद मेरे को खुशबू भी आने लग गई और मेरे को टेस्ट भी आने लग गया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने फिर कंटिन्यू शुरू कर दिया था अपना ये काढ़ा वगैरह सब कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं, सारी सब कुछ सैनिटाइज प्रॉपर, घर सुबह उठना है तो सैनिटाइज करना, मतलब ये सारी प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट किया। तो 3 दिन हुए थे, तो 3 दिन के बाद मेरे को टेस्ट और स्मेल वापस आने लग गया धीरे धीरे। अगर मुझे कोविड होता तो मम्मी को भी कोई ना कोई दिक्कत होती, मम्मी को भी कोई ना कोई सिम्टम्स आते, और सेकंड चीज मेरे को बुखार भी ज़रूर आता, बट ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जो मेरे साथ गए थे उन लोगों को भी कोई सिम्टम्स नहीं थे। समझ नहीं है ऐसा क्या हुआ। अगर मेरे को कफ एंड कोल्ड भी होता तो वो भी समझ आता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे को वायरस कहीं ना कहीं से लगा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं घर से बाहर भी गया हूँ, आने के बाद मैं सीधे घर में आया, घर में के अंदर ही बंद हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ घर से बाहर तभी निकलता हूँ जब मुझे कोई काम होता है, अदरवाइज़ मेरा पूरा टाइम घर के अंदर ही निकलता है। मतलब एक पल को ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे हो गया और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई तो ज़िंदगी तो यहीं ख़त्म हो गई। मतलब ये 15 दिन काटना इतने भारी पड़ गए थे मुझे लाइफ में कि यार अब आगे होगा क्या। अब ये तो मेरी लाइफ का एक ऐसा एक मिस्ट्री बन गई है कि मेरे को कोरोना था या नहीं था, पर भगवान ने मेरे को दूसरी लाइफ दी है। अब इसको अच्छे से रखना है, संभाल के जीना है और ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना है। अब बहुत ज़्यादा करना है, इसीलिए मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर डाली, क्योंकि अगर बाई चांस अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरा अकाउंट ना कहाँ जाता, वो ऐसे कैसे ब्लॉक रहता, और जो उसकी नॉमिनी है ना उसी को वो सारे पैसे ही मिलते। तो इससे अच्छा अपनी ज़िंदगी जब तक है ना तो मज़े से जियो, खाओ पियो, घूमो, ट्रैवल करो, और किसी का दिल मत दुखाओ, माँ बापों का ध्यान रखो और आगे बढ़ते रहो। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल सुबह उठेंगे और व्लॉग को स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों के साथ रोज़ की ज़िंदगी मैं शेयर कर पाऊँ। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना जिन लोगों ने नहीं किया, बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके फॉलो कर लो। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, टिल देन गुड बाय।